हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के आर ब्लॉग। आज मैं आपको राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में बताने वाला हूँ कि अयोध्या कहाँ पर स्थित है और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा और अयोध्या से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, आपका और टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो में आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर। अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि अयोध्या ही वह पावन धरती है जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के किनारे बसा एक प्राचीन धार्मिक नगर है और मान्यता है कि इस धार्मिक नगर को मनु द्वारा बसाया गया था और यहाँ पर रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था जिनके यहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। और वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है जो 12 योजन यानी कि 144 किलोमीटर लंबाई और 3 योजन यानी 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसा हुआ था। वर्तमान में भी देखा जाए तो अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का एक शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म के अवशेष देखने को मिलते हैं और यही सब ध्यान में रखते हुए अब अयोध्या को और सुशोभित करने के लिए यहाँ पर विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो कई सालों से विवाद में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर निर्माण की अनुमति दे दिया और 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और उसके बाद से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप अयोध्या घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वरनाथ धाम मंदिर, राजा मंदिर, राम कथा पार्क, दशरथ भवन और मणि प्रभाव के साथ साथ और कई सारे मंदिर देखने को मिलेगा। और अयोध्या पहुंचने के लिए आप अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। सो गाइज, वीडियो करते हैं पर समाप्त। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं ऐसे नए रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।